मालक लास्ट टाइम में सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया है 7 दिसंबर के बाद वाले एग्जामिनेशन के लिए। ये तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा बालक, यही नोटिस है सीबीएसई का। इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के क्लिक करके डायरेक्ट सीबीएसई के साइट पर जाओगे तो यही पेज खुलेगा और इसको तुम अच्छे से पढ़कर समझ सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे और इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको नहीं देखेंगे और उनका मार्क्स कट जाएगा। इसमें बताया बालक यही गया, तुम अच्छे से पढ़ के समझोगे, है ना, हम इसका मतलब बता रहे हैं। इसका मतलब बालक ये है कि अभी तक जो भी तुम्हारा ऑप्शन सही होता था उसको तुम सर्कल करते थे और उसके साइड में तुम उस ऑप्शन को भी लिखते थे। जैसे ए बी सी डी में से बी ऑप्शन है तो तुम बी को लिखते थे। बहुत बच्चे उसे कैपिटल लेटर में लिखते थे, बहुत स्मॉल लेटर में लिखते थे। सीबीएसई का कहना यह है बालक, इस नोटिस में लिखा गया है कि जो इवेल्युएटर हैं, जो कॉपी को चेक कर रहे हैं, ओएमआर शीट को चेक कर रहे हैं, वो थोड़ा उनको परेशानी हो रहा है स्मॉल लेटर के चलते। वो ए बी सी डी में कभी कभी किसी बच्चे के राइटिंग के कारण ए बी सी डी में अलग अलग नहीं समझ पा रहे कि ए लिखा गया है सी लिखा गया है ना, यानी कि उनको ये परेशानी है। तो सीबीएसई का कहना ये है बालक कि अब जो तुम साइड में लिखोगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न हुआ किसी कॉपी चेकर को, ओएमआर शीट चेकर को, है ना, तो वो तुम्हारा मार्क्स काटा भी जा सकता है। इसीलिए अब कैपिटल लेटर में ही लिखना है। पहले तुम सर्कल कर लोगे जो भी ऑप्शन सही है और उसके जस्ट बगल में कैपिटल लेटर में उसी ऑप्शन को बालक लिखना है। इस वीडियो को जरूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ये लिंक उनको भी भेजो, ताकि वो पढ़ करके इसे समझ करके और गलती ना करे और उनका मार्क्स ना कटे वाला।